एक्सेलशन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। दर्शकों, अगर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आप रुक करना चाहते हैं, वहां पर जाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको जानकारी दे दें कि नेशनल हाईवे जो है इस वक्त प्रभावित है, गाड़ियों की आवाजाही के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। उधमपुर के पास देवल ब्रिज पर लैंडस्लाइड हुआ, जिस कारण गाड़ियों की आवाजाही जो है वो प्रभावित हो गई है। आने वाले जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन की बात करें तो प्रशासन रास्ते को साफ करने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहा है, लेकिन फिलहाल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद है। और दूसरी तरफ से अगर हम मुगल रोड की बात करें या फिर SSG रोड की बात करें, वो फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही के लिए बदस्तूर खुला हुआ है। वहां से जो है आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के तरफ से आप जाना चाहते हैं, अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिलहाल रास्ता बंद है, रास्ता ब्लॉकेज है, रास्ते में पत्थर गिरे हुए हैं, लैंडस्लाइड हुई है, जिसको प्रशासन हटाने का काम कर रहा है। मैन और मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल रास्ता बंद है, और जब तक रास्ता साफ नहीं हो जाता, गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। करीब 10:20 पे हमारे को फ़ोन आया कि यहाँ पे स्लाइड हो गया है। फिर हम लोग वहाँ 10:25 में हम लोग यहाँ पे पहुँचा। रात में रेस्क्यू मतलब ये नहीं हो पाई। फिर पहले हम लोग देखा कि कहीं कोई कैजुअलिटी, कहीं किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। उसके बाद में फिर हम लोग मशीनरी वगैरह सब यहाँ पे यही पास में ही रहता है तो अवेलेबल किया, लेकिन उस समय नहीं हो पाया क्योंकि उस समय में मूवमेंट चल रहा था पहाड़ में। फिर उसके बाद हम लोग सुबह इसमें ड्रिल करना शुरू कर दिया। अभी जस्ट ब्लास्ट किया है और अभी आधे से एक घंटे के अंदर मैं ट्रैफिक को रिज्यूम कर दूंगा। इसलिए अगर आप अपने घरों से निकलते हैं और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे अगर आप पकड़ते हैं, तो आपको ट्रैफिक अपडेट जो है ट्रैफिक विभाग से ले लेना चाहिए कि क्या नेशनल हाईवे जो है वो क्लियर हो गया है। फिलहाल जो खबर आ रही है, उधमपुर के पास देवल ब्रिज पर जो है लैंडस्लाइड हुआ है, जिस कारण जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो गाड़ियों की आवाजाही के लिए बाधित हो गया है, प्रभावित हो गया है। रास्ते को साफ किया जा रहा है और जैसे ही रास्ता साफ होगा तो गाड़ियों को आगे बढ़ने की परमिशन दी जाएगी, लेकिन फिलहाल रास्ता बंद है। आप देखते रहे एक्सेलशन न्यूज़, और इसी के साथ मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।